शुरू करते हैं अगली खबर की ओर। खबर भिवंडी से आ रही है। बता दें कि भिवंडी शहर और ग्रामीण इलाके में मरीजों की संख्या काफ़ी तेजी से बढ़ रही है। बता दें कि कुछ दिनों से यह आंकड़ा सैकड़ों के संख्या में आ रहा है। भिवंडी शहर में आज भी कोरोना मरीजों की संख्या 185 पॉजिटिव मिले हैं। हम आपको बता दें कि शहर में 102 कोरोना के मरीज पाए गए, वहीं ग्रामीण इलाके में 83 कोरोना के मरीज पाए गए हैं। ये टोटल आंकड़ा 185 मतलब कि 185 कोरोना के मरीज आज पॉजिटिव पाए गए। हम आपको बता दें कि भिवंडी शहर में अब तक 102 कोरोना मरीज को मिलाकर 1690 कोरोना के मरीज अब तक हो चुके हैं, जिसमें से ठीक होकर घर लौटने वाले मरीजों की संख्या 692 है। मृत्यु का आंकड़ा आज 3 से बढ़कर अब 97 हो चुका है। उपचार ले रहे मरीजों की संख्या 901 पर पहुँच चुकी है। वहीं ग्रामीण इलाके की बात करें तो 83 मरीज को मिलाकर 741 मरीजों की संख्या पॉजिटिव हो चुकी है। वहीं ठीक होने वालों की संख्या 151 है। आज ग्रामीण इलाके में कोरोना से एक की मृत्यु के बाद यह आंकड़ा 12 पर पहुंच चुका है। उपचार ले रहे मरीजों की संख्या 578 है। मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि भिवंडी में 15 आरोग्य केंद्र हैं और इन 15 आरोग्य केंद्रों में कोविड की नोंद की जाती है। बता दें कि गायत्री नगर आरोग्य केंद्र से एक कोरोना का मरीज पुष्टि हुई है। नदी नका आरोग्य केंद्र इलाके से 10, औचित पाड़ा आरोग्य केंद्र इलाके से 3, शांति नगर आरोग्य केंद्र इलाके से 2, नवी बस्ती आरोग्य केंद्र इलाके से 7, जिसमें 3 महिला और 4 पुरुषों का समावेश है। गैबी नगर आरोग्य केंद्र इलाके से 1 महिला का समावेश है। पद्मा नगर आरोग्य केंद्र इलाके से 6 महिला 7 पुरुष यानी 13 लोगों का समावेश है। भाग्यनगर आरोग्य केंद्र इलाके से 8 लोगों का, जिसमें 3 महिला और 5 पुरुषों का समावेश है। कामतघर आरोग्य केंद्र इलाके से 7, जिसमें 5 महिला 1 पुरुष और 1 छोटे बच्चे का समावेश है। अंजूर फाटा आरोग्य केंद्र इलाके से 5, 1 महिला 4 पुरुषों का समावेश है। भंडारी कंपाउंड इलाके से 7 कोरोना मरीज पुष्टि हुई है, जिसमें 5 महिला और 2 पुरुषों का समावेश है। आजमी नगर आरोग्य केंद्र इलाके से 2, संगमपाड़ा आरोग्य केंद्र इलाके से 17 मरीज पाए गए हैं, जिसमें 7 महिला और 10 पुरुषों का समावेश है। ईदगाह आरोग्य केंद्र इलाके से 4 महिला 5 पुरुष यानी 9 लोगों का समावेश है। मिलत नगर आरोग्य केंद्र इलाके से 10 यानी 2 महिला 2 8 पुरुषों का समावेश है। बता दें कि ऐसे में आज के दिन 102 कोरोना के मरीज शहर से पाए गए, जिसमें 39 महिला 62 पुरुष और 1 बच्चे का समावेश है। हम आपको बता दें कि 1690 कोरोना मरीज अब तक पाए गए हैं, जिसमें ठीक होने वालों की संख्या 692 बताई जा रही है और 3 लोगों की आज कोरोना से मृत्यु हुई है। 97 पर यह आंकड़ा पहुंच गया है और 901 मरीज जो है अभी भी अपना उपचार करवा रहे हैं। बात करें भिवंडी ग्रामीण की तो भिवंडी ग्रामीण में भी आज बड़ी संख्या में कोरोना के मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। बता दें कि 83 मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिससे यह आंकड़ा बढ़कर अब 741 पर पहुंच गया है। सबसे बड़ा आंकड़ा हम आपको बता दें कि खारबाव इलाके से मिले हैं। 27 मरीज वहां से पॉजिटिव पाए गए हैं। कालेर, कसेली, खारबाव, डुंगे, पाए, इन सारे इलाकों से यह सारे मरीज मिले हैं। वहीं पर हम आपको बता दें कि अनगांव आरोग्य केंद्र इलाके से यहाँ पर शेलार, पुंडास, निम्बोली, धुंडावडोली, महापोली, इन सारे इलाकों से कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। कोनगांव इलाके से 12 मरीज पाए गए हैं। अनगांव इलाके से 9 कोरोना के मरीज पाए गए हैं। पड़गा कार्यक्षेत्र इलाके से 1 और दीवा अंजूर कार्यक्षेत्र इलाके से 7, चिम्बीपाड़ा कार्यक्षेत्र इलाके से 7, दीवा अंजूर कार्यक्षेत्र इलाके से 20 कोरोना के मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। ये बड़ी संख्या में आज ग्रामीण से कोरोना के मरीज पाए गए। बता दें कि 83 मरीज आज ग्रामीण से मिले हैं। टोटल आंकड़ा अगर देखा जाए भिवंडी शहर और ग्रामीण इलाके का तो भिवंडी शहर और ग्रामीण इलाके से 185 मरीज जो है आज कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और 4 लोगों की कोरोना से मृत्यु हुई है। सबसे बड़ी बात यहां पर कि अब तक कोरोना से ठीक होकर घर लौटने वालों की संख्या भी बढ़ते जा रही है। बता दें कि 843 लोग घर लौटे हैं। मृत्यु का आंकड़ा 109 पर पहुंच चुका है। उपचार ले रहे मरीजों की संख्या 1479 हो चुकी है। भिवंडी से आशीष राजभर की रिपोर्ट, स्पीड न्यूज़।